कितने की दे रहा है? 800 ना टाइटन कर दो, दुकान मिलेगी क्यों? निकला वो माल होता है यार, ऐसे वीडियो बना रहे तो फेस थोड़ी ना आ रहा भाई। वीडियो करो क्या? फेस थोड़ी ना आ रहा मेरे भाई, फेस थोड़ी ना ले रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, ले लो नीचे करके ले लो, नीचे करके। हाँ कितने की बता रहे? 800 का नीचे करके यार मेरे भाई, नीचे करके ले रहा हूँ, टेंशन मत ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे अपने अपने घर पे और सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी दिल्ली का टेम्परेचर 38 हो रहा है और टाइम कुछ ज़्यादा नहीं, 9:30 हुआ है। मैं एक बार जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और मेरा दोस्त पीछे तैयार होने लग रहा है और इसके बाद हम सीधा चलेंगे सरोजनी मार्केट। वहाँ पर क्या सबसे सस्ते कपड़े और जो भी आइटम होगा मैं आपको सब दिखाऊँगा। तो चलो फटाफट से तैयार होते हैं भाई। ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब बाज़ार के लिए निकल रहे हैं और बस अब दोस्त ऊपर वापस, मैंने उससे कहा था बैग लेता ही और वो भूल गया नीचे लाना, तो ऊपर जाएगा वो बैग लेके वापस नीचे आ जाएंगे। और वैसे यहाँ देखा जाए ना तो नोएडा में खाना बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं है जैसे और जगह थोड़ा एक्सपेंसिव है, यहाँ पर ठीक था, इतना कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसमें दिक्कत हो रही है हमारे रूम में, मतलब कैंपर नहीं आया तो हमें बार बार बिस्लरी की ठंडी बॉटल खरीदनी पड़ रही है इस वजह से, क्योंकि पानी इतना गर्म हो जाता है पिया वापस जाता नहीं, तो ये बार बार अब कैंपर वाले को फ़ोन करा, वो एक कैंपर रख के जाएगा तो उसके बाद ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। इस आदमी ने इतना लेट करा दिया, ऊपर से इसे जूते पहनने में इतना टाइम लग गया, अब बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके तो मेट्रो तक पहुँचे हैं। सरोजनी मेट्रो स्टेशन तो हम पहुँच चुके हैं, बट अभी ये देखना है कि यहाँ से निकलते डायरेक्ट बाहर मार्केट या फिर ऑटो लेके आगे जाना है। डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के गेट नंबर 2 और डायरेक्ट सामने ही सरोजनी मार्केट है पूरा, के अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। वैसे भीड़ बहुत लग रही है इधर और धूप बहुत ही बुरी हो रही है इस समय। गेट सरोजनी मार्केट भाई, पूरा मार्केट है, दिन में भरा रहा है, भीड़ तो नहीं है इतनी। खैर ये देखो जगह जगह खड़े हुए दिखेंगे, कुछ इतना सस्ता ही 150-150 रुपये में सब मिल रहा है, बट लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो है कि अपने लिए कुछ इन्फ्लुएंसर टाइप चीज़ें ढूंढ रहे हैं, चेन वगैरह। कितने की बता रहे हैं? 150 रुपए की। कितने की दोगे आप? ये 120 करना। 100 की नहीं लगेगी? 100 की 120 देना ना उससे, वो 150 रुपए बता रहा था, दिखा। और ये 150 रुपए की बताई और जाते जाते उसने सिर्फ 50 रुपए की, इसने उससे बार्गेनिंग कर करके 50 रुपये, उसने कहा 80, इसने कहा चल रहा भाई, इसने कर कर आके 50 रुपये की ले लिया के कार उससे। भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं यही कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए है, मतलब लड़कों के लिए है स्टफ़ लेकिन बहुत कम। भाई 400 रुपये में सब कुछ, सारे जूते दिखेंगे, 450 हॉट रात 350 रुपये में। आधा मार्केट तो अभी खुला भी नहीं, बुरी हालत है इस समय और भीड़ बहुत कम है जबकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा, टेम्परेचर 40 हो रहा होगा मेरे हिसाब से और अभी 11 बजा है जब हम मतलब काफ़ी जल्दी आ गए मेरे हिसाब से, हमें 1-2 बजे करीब आते ना तो मतलब प्रॉपर पूरा मार्केट खुल गया होता, अभी तो कुछ भी नहीं खुला। तो अगर लड़कियाँ यहाँ 2,000 या 3,000 रुपये लेके आएंगे उनके लिए बहुत होगा, जिस हिसाब से यहाँ पर उनके कपड़ों के प्राइस लग रहे हैं 200-300, जीन्स लग रही है इतनी मतलब ठीक ठीक, वो भी 200-200 रुपये में। और आप हर कहीं किसी भी ब्रांड पे जाओगे ना तो मैं नहीं मानता वो 1,000-1,200-1,500 रुपये से सस्ती होगी, पर लड़कों के लिए बहुत थोड़ा ही है कुछ। प्राइस 200-200 रुपये इनका, कुछ भी चूज़ कर लो, ये देख रहा है कोई दिख जाए कुछ में, छोटे छोटे आइटम रिंग वगैरह मिल जाती हैं सस्ती सस्ती, कोई जो बाहर 40-50 रुपये की मिलेगी, 10-20-20 रुपये की सब आइटम बढ़िया मिल जाते हैं। कितने की बता रहे हैं? 50 रुपये। 50 रुपये की तो नहीं है यार,
सर हम दिखाई मार्केट ही नहीं खुला अभी तो खाली पड़ा है। मेरे हिसाब से ना शाम को होना चाहिए, तो धूप इतनी तेज लग रही है, पका दिया धूप ने मेरे को। तो सब कुछ लेडीज सामान मिल रहा है यहाँ पे ना, अभी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है क्योंकि आधा मार्केट बंद है, और जितना भी है 90% सब कुछ ये लड़कियों को ही सामान मिल रहा है। मतलब हमारे लिए तो यहाँ भी कुछ है ही नहीं, जो दो चार शॉप्स हैं उन पर है, उस पर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वैसे अगर ये अगर इस टाइम अगर हम रात में आते ना यहाँ तो ज़्यादा बेटर रहता। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। मतलब एक तो आंखों पे धूप इतनी तेज़ लग रही है आगे से ना, कुछ नहीं दिख रहा। और अब मेरे हिसाब से और धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, क्योंकि एक दो बजे तक तो बहुत ही तेज़ गर्मी है यहाँ। अब जाके मार्केट में भीड़ बढ़ी है धीरे धीरे। क्रॉकरी आइटम्स 300 से ज़्यादा जाके कुछ मिली है। स्ट्रेट फिट है ना, कितना प्राइस है इसका? है 450 ज़्यादा बता रहे हैं। वैसे तो 200 रुपये लग रहा है प्राइस टैग। तो मैंने पहली चीज़ खरीद ली, आखिरकार मिली गई यहाँ से। कितने की दे रहा है? 800 ना फेस थोड़ी ना रहा भाई, फेस थोड़ी ना रहा मेरा भाई, फेस थोड़ी ना ले रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, ले लो नीचे करके, नीचे करके। कितने की बता रहे? 800 का नीचे करके यार मेरे भाई, नीचे करके ले रहा हूँ, टेंशन मत ले। इतने फ्रॉड आदमी है ना यहाँ, वो घड़ी वाला हमें 800 बता रहा था कि 800 रुपये की अभी भी, 800 रुपये की अभी भी शोरूम से निकाल के लाया हूँ। बट वो जाता जाता ना हमने उससे ली तो नहीं वो, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं आई वो। वो जाता जाता उसको 100 रुपये तक आ गया था कि 100 रुपये दे दो और ले जाओ उसे, बट हमें वो पसंद ही नहीं आई। और इतने फ्रॉड, मतलब ये मान लो कि 90% यहाँ ऐसी सामान है, और बार्गेनिंग खुद नहीं करोगे, आगे जाओगे ना अपने आप रेट कम कर देंगे उसके। भाई मार्केट से तो बाहर आ गए, बस अब सीधा यहाँ से घर जा रहे हैं मेट्रो पकड़ के। बुरी हालत है भाई, गर्मी में धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, हमें रात को आना चाहिए था। हमने सबसे बड़ी गलती तो ये करी कि हम सुबह सुबह आ गए। अगर हम शाम को आते ना 3-4 बजे, फिर भी यहाँ धूप थोड़ी छिप जाती, और अब भीड़ भी काफ़ी हो गई। मतलब मेरे हिसाब से तो ये इंसान मेट्रो स्टेशन पर बैठा है, और पता है किस लिए? बता भाई तू खुद ही बता दे किस लिए। इसको वीडियो बनवानी है, और अभी मेट्रो आएगी 6 मिनट लेट, और अब ये 6 मिनट तक इसने यहीं बिठा रखा है, और जबकि भूख लग रही है बहुत तेज। इसको रील बना लिया इंस्टाग्राम के लिए। अभी खाना खा के अपने रूम पे जा रहे हैं वापस, और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि सरोजनी मार्केट से बाहर निकले, मेट्रो पकड़ी, और सीधा हमने सबसे पहले खाना खाया क्योंकि भूख लग रही है। 2:30 बज चुका और हम सुबह के निकले हुए 9 बजे के घर से। बस आ गया वो शॉप से पानी की बोतल खरीद रहा, क्योंकि कैंपर अभी तक आया ही नहीं। अभी शाम को अपने रूम से बाहर निकले हम दोनों भाई फ्रेश होके। अब बस बाहर निकले हैं, कुछ चाय पीएंगे, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी, और जिस दिन चाय नहीं पीता उस दिन ऐसा लगता है कि पूरे दिन में कुछ करा ही नहीं। बस अब ये देख रहे हैं जहाँ पे मोमोज खाने थे वो शॉप तो बंद थी, अभी आगे कहीं पे जा रहा है तो पता नहीं। अरे ये क्या हो गया, यहाँ दाना निकल गया, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, दिन में पूरा शरीर टैन कर देगी इतनी तेज़ धूप है। ये कुछ इस समय शाम को मौसम हो रहा है, उधर की साइड तो पूरा धुंध दिख रहा है। भाई समोसे खाए अभी, इतने मस्त ताज़े ताज़े एकदम, मोमोज तो कहीं मिले नहीं, मस्त समोसे थे एकदम। बस अब एक चाय मिल जाए ना आनंद आ जाएगा, और उसके बाद रूम पे चलेंगे, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगा ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो। अब रेगुलर कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर ही ब्लॉग डाला करूँ, और वीडियो को जब यहाँ तक जिसने देख लिया वो लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर है उसे सब्सक्राइब करे ना, बिल्कुल भी मत जाना।